तो आज की वीडियो में बात करेंगे हुंडई वेन्यू के ओल्ड और न्यू में आपको क्या क्या डिफरेंट देखने मिल जाता है। पहला डिफरेंट आपको इसके ग्रिल में देखने मिल जाता है, फ्रंट का ग्रिल आपको पूरा चेंज मिल जाता है, ऐसा इसका ओवरऑल लुक देखने मिल जाता है। आगे से सिर्फ इसकी ग्रिल ही चेंज है। साइड का प्रोफाइल मिल जाता है जिसमें अलावल्स आपको दोनों में अलग अलग मिलते हैं डिजाइन में। ओल्ड वाले में 15 इंचेस के अलावल्स देखने मिल जाते हैं और न्यू वाले में 16 इंचेस के अलावल्स देखने मिल जाते हैं। ऐसा इसका पीछे का लुक देखने मिल जाता है। इसमें आपको टेल लैम्प चेंज मिल जाती है, पूरी कनेक्टेड फीचर हो जाती है न्यू वाली में, और नीचे को रिफ्लेक्टर में भी थोड़ा डिफरेंट देखने मिल जाएगा कुछ ऐसा। इस तरफ से दोनों का ऐसा लुक है और 45 लीटर्स का दोनों में ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाती है और दोनों में सेम सनरूफ देखने मिल जाती है। नॉर्मली पैनोरामिक नहीं मिलती दोनों में। ऐसा आपको इसका इंजन देखने मिल जाता है, दोनों इंजन 4 सिलेंडर देखने मिल जाते हैं। दोनों इंजन की पावर और टॉर्क आपके डिस्प्ले में शो हो गया है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। 343 लीटर मिल जाता है आपको ओल्ड वाले में और न्यू वाले में मिल जाता है 350 लीटर्स का। थोड़ा सा बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है न्यू वाली में। और इंटीरियर में आपको इसका स्टेयरिंग व्हील का डिफरेंट देखने मिल जाता है। फ्रंट में पूरा इसका न्यू स्टेयरिंग व्हील लगा है जो क्रेटा में आता है फ्लैट बॉटम के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और साथ ही में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी इलेक्ट्रॉनिक देखने मिल जाती है न्यू वाली में। और बात करें यहाँ फ्रंट में, तो आपको यहाँ पे जो उसके एसी कंट्रोल से वो सिर्फ आगे पीछे कर दिए हैं, लेफ्ट वाले को राइट कर दिया है, राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया है सर, ये यही डिफरेंट है। और नेक्स्ट डिफरेंट आपको स्पीडोमीटर में देखने मिल जाती है, फुली डिजिटल मिल जाता है न्यू वाली में। ऐसी आपको इसकी रियर की सीट्स देखने मिल जाती है और रियर की सीट पे भी कंफर्ट थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है। और फ्रंट में आपको एक और डिफरेंट मिल जाता है, नीचे आपको जो चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है ये थोड़ा आपको डिफरेंट मिल जाता है, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं मिल जाता है हुंडई वेन्यू में।